नमस्कार दोस्तों, सोशल गुलदस्ते में फिर से एक बार आपका स्वागत है। साइबर क्राइम पार्ट टू में इस एपिसोड में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के लिए हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं और ये किस कानून के अंतर्गत या किस लॉ के अंतर्गत साइबर क्राइम के लिए हम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम के एक नए तरीके हैं और इन तरीकों में शुरुआती दौर में हम सबको ये पता नहीं होता था कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और हम इसे कहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करें। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह के अपराध यदि चाहे वो इंडिविजुअल टाइप के क्राइम्स हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स हों, चाहे वो सोसाइटल क्राइम्स हों, इन सभी क्राइम के लिए हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए NCCPR में भी हम रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। साथियों, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो होता है उसमें जाके हम ऑनलाइन रजिस्टर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यदि हम ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं दर्ज करते हैं साथियों, तो हम ऑफलाइन रिपोर्ट भी दर्ज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन रिपोर्ट ये कहां दर्ज होती होगी, क्या एक सामान्य पुलिस स्टेशन में हो सकती है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, हो सकती है। आप पुलिस स्टेशन में जाएं, लगभग हमारे देश के सभी बड़े शहरों में साइबर सेल का गठन हो चुका है, जहां पे इस किस्म के ऑनलाइन होने वाले अपराधों की विवेचना की जाती है, ऑनलाइन अपराधों के लिए FIR दर्ज की जाती है और हम इस ठगी के शिकार होने के लिए या विक्टिम होने पर हम जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन हो जाती है, और अगर जहां साइबर सेल नहीं है वहां क्या होगा? तो साथियों, फिर भी वहां पर FIR करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। क्यों? आपको बता दूं, इंडियन पीनल कोड में इस तरह के पूरे अपराधों को कवरेज मिलती है अपराधों के नेचर के आधार पर। धारा 154 के अंतर्गत भी ये सारे अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। और एक और शब्द इसमें आता है, आपको अवेयर कर दूं, आपको एडुकेट कर दूं, जीरो FIR। चूंकि इस तरह के अपराध जो हैं वो रिकॉग्नाइज ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं और पुलिस इस पे जीरो FIR दर्ज करेगी। और जीरो FIR दर्ज करने का मतलब है विक्टिम को बहुत बड़ी राहत मिलना। तो आप ध्यान देंगे कि हम इस तरह से यदि विक्टिम है हम, हमारा समाज या आसपास के लोग, तो हम इस तरह से इसमें कंप्लेन कर सकते हैं और न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया कि हम विक्टिम बन गए, और मेरा ये कहना है कि हम विक्टिम बने क्यों? क्या इसके रोकथाम के कोई उपाय हैं, और वो कौन कर सकता है? वो रोकथाम के उपाय हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। क्या उपाय हैं? जैसे आप स्वयं एडुकेट होइए साइबर क्राइम के लिए। जब हम इतना ऑनलाइन काम करने लग गए हैं, जब हम पूरी तरह से सिस्टम में बदल कर खुद को ऑनलाइन एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ लिए हैं, तो हम साइबर क्राइम इस शाह पक्ष पर भी समाज के हम अवेयर रहें, हम एडुकेट हों और हम लगातार जाने कि किस तरह की घटनाएं हमारे साथ हो सकती है। पहली बात ये करनी है। दूसरी, जितनी भी हम ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, सपोज टू भी हमारे मेल होते हैं, इन मेल के पासवर्ड्स बहुत आसान न हो। नॉर्मली हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे रख लेते हैं या कोई ऐसी डेट को चुन लेते हैं जो बड़ी लोकप्रिय होती है और वह हैकर्स के लिए बहुत आसानी से क्रैक हो जाती है। तो हमें पासवर्ड भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रखने चाहिए, समय समय पर पासवर्ड बदलने चाहिए, और जितने भी ऑनलाइन ऑफर्स हमारे सामने आते हैं कि अब आप प्राइज विन कर लिए हैं, आपने ये इनाम जीत लिया है, आपने ये गेम खेला और गेम खेलने के बाद अब आप इतने रुपए जीत रहे हैं, इस तरह की कोई भी फ्रॉड से आप बच के रहिए, क्योंकि कभी भी आपको आसानी से पैसा नहीं मिलता, इस बात को गांठ बांध लीजिए।
आप ऐसे भी बच सकते हैं। जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उसमें जब हम जिस भी लिंक पर जाते हैं वह सिक्योर्ड है या नहीं, आपको देखिएगा लिंक के पहले एक लॉक मिलेगा, तो वो जरूर चेक कर लें कि ये सिक्योर्ड है या नहीं। अगर उसमें लॉक है तो वो सिक्योर्ड है, जिसे हम कहते हैं HTTPS। और अगर HTTP है तो आप उस पर जाने से पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। आप फोनी वेबसाइट से बचिए, और यदि आपके साथ ग्रूमिंग या स्टॉकिंग हुई है तो आप जरूर अपने घर में माता पिता को बताइए, आप उस संबंधित व्यक्ति को ब्लॉक कर दीजिए और घर के बड़ों को जरूर बताइए, ताकि आप इन चीजों से बच सकें। ऑनलाइन शॉपिंग आप बहुत केयरफुली करें। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पेमेंट गेटवे पे जाते हैं तो उसको भी जरूर चेक कर लें कि क्या ये सही है, क्या ये सिक्योर्ड है, और उसके बाद ही आप पेमेंट करें। फिर हम अपने सिस्टम पर एक गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। और कभी भी साथियों पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। फिर से कह रही हूं, पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे रिलीज ना करें, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप साइबर क्राइम या आपके साथ होने वाले साइबर वर्ल्ड के क्राइम से आप स्वयं बच सकते हैं। जैसे कहावत है ना साथियों कि उपचार से रोकथाम बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप प्रिवेंशन रखते हैं, रोकथाम करते हैं, तो आप इस तरह के अपराध के शिकार होने से बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो साथियों जरूर आप विजुअल वर्ल्ड में रहिए, खुश रहिए, उस दुनिया को और बढ़ाइए, बढ़ा चढ़ा के उसमें हिस्सा ले लीजिए। बी अवेयर कि हमारे साथ इतना शह पक्ष भी वर्चुअल वर्ल्ड का जुड़ा हुआ है। आप सबको फिर से नमस्कार, और मेरे इस वीडियो को दिल से लाइक करिए। सोशल गुलदस्ता फिर आपके साथ हाजिर होगा कुछ ही देर में, कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद।